हेलो दोस्तों, आज हम प्लाजो बनाना सिखाएंगे आप लोगों को। आज फुल घेर वाला प्लाजो बनाएंगे। इसकी लेंथ है 37 इंच और कमर है इसकी 40 इंच। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देते हैं पहले। इसके बाद इसका जो कमर का जो चौथा हिस्सा है वो लेंगे हम। पहले इसमें 1/2 इंच का निशान लगाएंगे किनारी साइड में। उसके बाद 13 इंच पे लेंगे इसका निशान पहला। 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच ले लेंगे हम। एक 13 पे निशान लगाएंगे, एक 15 पे लगाएंगे। उसके बाद 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे हम इलास्टिक के लिए। और 12 इंच का आसन लेंगे। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि इनको आसन ज़्यादा चाहिए इसलिए। नहीं तो वैसे 12 इंच का आसन हम लेते हैं। 1/2 इंच इधर किनारे की साइड भी हम लगाएंगे निशान। वही 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे भी लेंगे आसन की तरफ। इसको मिला देंगे आसन वाला निशान, एक्स्ट्रा भी मिला देंगे। फिर इसको इस तरह से गुलाई दे देते हैं। पहले आसन वाली, फिर लगाएंगे हम एक्स्ट्रा जो हमने निशान लगाया उससे ही गुलाई दे देंगे। ये गुलाई हम थोड़ा बढ़ा के दे देते हैं क्योंकि इसमें हम जैसे एक तो म्यानी लगती है, इसमें हम म्यानी नहीं देंगे। तो म्यानी की लिए हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ा देते हैं। ये जो हमारी इलास्टिक वाला निशान है इस पे हमने निशान लगा लिया। अब ये पहले तो लेंगे हम 37 इंच की लेंथ लेंगे और उसके बाद 2 इंच ऐड कर देंगे उस फोल्ड करने के लिए। तो ये हम 39 ले लेंगे। और 39 ही हम दूसरी साइड भी निशान लगा लेंगे और इसको मिला देते हैं फिर दूसरी साइड। इसको एक सीधी लाइन खींच देते हैं। ये हम निशान लगा रहे हैं अभी घुटने का क्योंकि ऊपर से जो घुटना का निशान होता है वो 20 या 21 इंच पे होता है हिप से। तो यहाँ पे हम थोड़ा कम ले रहे हैं घुटने की जगह पे कि ये थोड़ा घेरा ज़्यादा दे रहे हैं। घुटने की जगह कम दे, थोड़ा कम वो डालेंगे। थोड़ी सी गुलाई मैंने नीचे डाल दी है क्योंकि ये अगर गुलाई में थोड़ा रहेगा तो उसमें शेप अलग ही तरह की आती है। वो आप बनाओगे तो पता लग जाएगा। एक तो स्ट्रेट होता है घेरा, इसमें थोड़ा गुलाई देती हूँ मैं क्योंकि अब ये हमने फ्रंट पीस बिछा दिया है। बैक के आसन का हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं आसन। तो ये 3 इंच एक्स्ट्रा लेके और इधर से कोने पे तो बराबर ही रहता है। ये 3 इंच एक्स्ट्रा हम तिरछा लगा देते हैं। उसके बाद कटिंग कर देते हैं। बाकी सारा जो हमारा आगे वाला हिस्सा है उसी के बराबर हमने कटिंग कर देनी है पूरा। हमने इसमें कहीं पे भी फालतू नहीं लेना क्योंकि ये हमारा घेरा है, इसमें फुल घेरा है। ये खुला होता है, इसमें हमें एक्स्ट्रा लेने की कहीं पे भी जरूरत नहीं होती है। जैसा फ्रंट होता है वैसा ही बैक होता है। सिर्फ उसमें एक चीज़ फालतू होती है जो आसन की साइड में, बैक आसन थोड़ा बड़ा होता है, बाकी सारी चीज़ें से